हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आप सब लोग भी कुशल मंगल से होंगे, आपके घर में परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और ठाकुर जी अपनी दया दृष्टि आप लोगों पर बनाए रखें। तो दोस्तों, मेरे गोपाल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें ठाकुर जी कैसे मिलेंगे और कैसे इनका हमें जो है स्नेह मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए जो हमें ठाकुर जी से प्यार मिले? तो दोस्तों, हमको जो है कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और द्वेष भाव तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अहंकार को मन में ना लाए और घमंड नाम की चीज़ को ना पाले। तो दोस्तों, आपने ठाकुर जी के बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अच्छे हैं सभी लोग, सच्चे हैं और सभी जो हैं ठाकुर जी से इतना लगाव करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे ठाकुर जी जो हैं बहुत ही प्यारे और बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही दयालु मन है इनका। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे ठाकुर जी हमें कैसे मिलेंगे और कैसे इनके दर्शन होंगे, कैसे हमें ठाकुर जी कैसे सच्ची राह दिखाएंगे और कैसे हमें सच्चे मार्ग पर चलाएंगे और कैसे हमारी भक्ति को अपने प्रति बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको चाहिए कि हमें जो है ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हमारे मन में अहंकार ना हो, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, सभी से प्रेम से मिले, सभी से प्रेम से बातें करें। और दोस्तों, अगर कोई हमारे लिए ईर्ष्या रखता है तो उससे भी हम प्रेम से बातें करें। हमारी कोई बुराई करता है या हमारे प्रति कोई बुरे शब्द बोलता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, वो ठाकुर जी बैठे हैं, उसको वो जो करता है करने दो। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या ना रखें, द्वेष भाव ना रखें और घृणा बिल्कुल भी ना लाए। किसी से भी कोई द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, सभी से प्रेम होना चाहिए। तो हमारे ठाकुर जी जो हैं बहुत खुश रहते हैं। और अपने ठाकुर जी का अच्छे अच्छे से श्रृंगार कीजिए, सेवा कीजिए, सुंदर सुंदर पोशाकें पहनाइए, सुंदर सुंदर पगड़ी पहनाइए। तो दोस्तों, हमारे ठाकुर जी तो वैसे ही बहुत दयालु हैं, बहुत ही जितने ठाकुर जी दयालु हैं इतना शायद कोई नहीं है। और सारी सारी ही सृष्टि हमारे ठाकुर जी के हाथों में है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये ही त्रिदेव हैं। तो दोस्तों, हमें जो है अहंकार को मन में नहीं पालना चाहिए। जब तक अहंकार मन में होता है तो हमारे ठाकुर जी से हमारा मिलन संभव नहीं है, हमें दर्शन नहीं हो सकते। तो दोस्तों, क्या है कि कहते हैं कि द्रौपदी जो थी बहुत ही उनके अंदर अहंकार था, लेकिन जब उनको जुए में हार दिया गया, युधिष्ठिर ने उन्हें जुए में हरा दिया, तो दुशासन उनको केस पकड़कर भरी सभा में ले आए। तो उसके बाद जो है द्रौपदी के मन में जो था अहंकार था, तो उन्होंने पहले तो ये सोचा कि तुम बहुत ही बलशाली हो, तुम्हारा क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। फिर उसने सोचा कि मेरे पांच पति हैं, बहुत ही बलवान हैं, और फिर पितामह है, धृतराष्ट्र हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उसने अपने अहंकार को, अपने वहम को मन में रखा और सोचा कि मेरे पति तो बहुत ही बलशाली हैं, मुझे बचा लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, कान्हा जी बोले रुक्मणी से कि देखो रुक्मणी, मेरी सखा जो है बहुत ही मुसीबत में है। तो रुक्मणी ने कहा कि जाइए वासुदेव, आप जो है द्रौपदी की सहायता कीजिए। लेकिन वासुदेव ने कहा कि अभी नहीं, अभी द्रौपदी के मन में जो है अहंकार है, उसे निकल जाने दो। जब द्रौपदी मेरे को बुलाएगी तो मैं अपने आप ही चला जाऊंगा।
तो बोले कि द्रौपदी रुक्मणी कहने लगी कान्हा जी से कि कान्हा जी वासुदेव आपका क्या रिश्ता है द्रौपदी से। वो बोले वो मेरी बचपन की सखा है जिसका नाम मेरा नाम कृष्णा है उसका नाम कृष्णा था, तो वो मेरी सखा है और बहुत ही अच्छी मित्र थी, लेकिन अभी भी हमारा बहुत प्रेम है, लेकिन द्रौपदी ने जो है मुझे प्रेम से नहीं बुलाया है। जब द्रौपदी मेरे को प्रेम से बुलाएगी मैं दौड़ा चला जाऊंगा। तो जब दुशासन ने साड़ी पकड़कर खींची और द्रौपदी जो है असहाय हो गई, उसे लगा कि अब उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो उसने वासुदेव को पुकारा और दोनों हाथ साड़ी जो थी हाथों में पकड़े हुए थी, फिर दोनों हाथों से साड़ी छोड़ दी और दोनों हाथ जो हैं ऊपर उठा लिए और हरे कृष्णा का जाप वो करने लगी। तब वासुदेव ने कहा कि देखो रुक्मणी अब मेरी सखा मेरे को बुला रही है, तो मैं जो है अब अपने सखा की सहयोग करने जरूर जाऊंगा और अपनी यानी कि हमारा एक रिश्ता भी है भाई बहन का, द्रौपदी ने मुझे जो है अपना भाई बनाया हुआ है, द्रौपदी ने जो है मुझे अपना भाई बनाया हुआ है। तो जब मैंने सुदर्शन चक्र चलाया था उस समय मेरी उंगली कट गई, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से जो चीर फाड़ कर मेरी उंगली में बांधा था, तो वो ऋण भी आज उतारना है और अपनी सखा की मदद भी मुझे आज करनी है। तो आज मुझे सभा में जाकर द्रौपदी की जो है लाज बचानी है। तो जब दोनों हाथ छोड़कर हाथ ऊपर कर लिए और दुशासन जो है साड़ी को पकड़ कर खींचने लगा और देवकी ओ सॉरी द्रौपदी जो है हरे कृष्णा यही पुकार करने लगी, तो कृष्णा आए और आकर के द्रौपदी का चीर बढ़ाया, द्रौपदी की जो है लाज बचाई और यहाँ पर द्रौपदी का अहंकार भी टूटा, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता, ना किसी का पति होता है, ना किसी का भाई होता है, ना किसी की रिश्तेदारी में कोई होता है, कोई किसी का नहीं होता। तो किसी से द्वेष भाव ना करे, किसी से ईर्ष्या ना करे, अहंकार मन में ना रखे, तो हमारे प्रभु जो है हमें दर्शन देने के लिए स्वयं ही आ जाएंगे। अगर हमारे भाव मन में बहुत अच्छे होते हैं तो हमारे जो ठाकुर जी हैं वो दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। ठाकुर जी हैं ये किसी के मोहताज नहीं होते, लेकिन ये प्रेम में विवश हो जाते हैं। इन्हें जो प्रेम करता है निस्वार्थ प्रेम करता है, उसके लिए मेरे ठाकुर जी हमेशा तत्पर रहते हैं और तैयार रहते हैं कि कहीं मेरी ज़रूरत मेरे सखा को ना पड़ जाए, मेरे भक्त को ना पड़ जाए, इसलिए हमेशा मेरे ठाकुर जी जो हैं बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो दोस्तों अपने मन में जो है ठाकुर जी के प्रति भाव अच्छे हों और किसी के प्रति भी मन में ईर्ष्या का भाव ना लाए, सभी से प्रेम करें, बेशक कोई हमें गाली दे, कोई हमारी निंदा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी सहायता के लिए हमारे ठाकुर जी बैठे हैं और जब तक हमारे ठाकुर जी हैं हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ठाकुर जी पर इतना विश्वास होना चाहिए, हमारे जो भाव हैं वो ठाकुर जी के प्रति बहुत ही अच्छे होने चाहिए। हमारे ठाकुर जी ये नहीं कहते कि मुझे अच्छे अच्छे भोग लगाओ, अच्छे अच्छे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा या महंगे से महंगे पोशाक पहनाओ, ऐसा नहीं कहते। वो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, वो प्रेम पाना चाहते हैं और प्रेम देना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को ये जो वीडियो है कैसी लगी, आपको इससे क्या सीख मिली। अहंकार को मन में नहीं पालना चाहिए, अहंकार और अहम बहुत बुरी चीज़ होती है, घमंड बहुत ही दूसरों की बुराई निंदा ये नहीं करनी चाहिए, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और कोई कुछ भी कहे कोई कुछ भी करे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई हमारी बुराई करता है तो करने दो, ठाकुर जी बैठे हैं हमारी रक्षा करने के लिए, उसकी बुराई करने से हमारा कुछ नहीं होता। और जो हमसे ईर्ष्या करते हैं वो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक ठाकुर जी हैं।
और हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कोई कुछ भी कहे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो जो है, मेरे मन में जो भाव आए और ठाकुर जी के लिए जो भाव प्रकट हुए वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आप लोग मेरा यूं ही साथ देते रहेंगे, मेरा सहयोग करेंगे, तो मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर दूंगी। तो दोस्तों आप जो है कमेंट भी कर दिया कीजिए, क्योंकि मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो में क्या कमी रहती है और क्या आपको अच्छा लगता है। तो आप ये कमेंट करके भी बता दिया करो, और हर एक व्यक्ति, हर एक फ्रेंड और हर एक कोई भी हो, अपना परिवार ही है, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखे, बहुत ही अच्छा लगता है। राधे शब्द जब मुंह से निकलता है, जब उंगलियों के नीचे आता है, तो राधा जी के पास हमारी हाजिरी लग जाती है, और राधा जी जो है कान्हा जी के पास होती है और उनसे हमारी सिफारिश होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों आपको अगर और वीडियो चाहिए, मेरे ठाकुर जी की लीलाएं की वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी दे सकती हूँ आपको, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि मेरे ठाकुर जी ये लीला करते हैं, ये लीला करते हैं। लीला तो ज़रूर करते हैं ठाकुर जी, ऐसा नहीं करते नहीं हैं, और जिसके भाव अच्छे हैं तो उनके साथ अच्छे से लीला करते हैं, सारी लीलाएं उन्हें दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। ना लगे तो कोई बात नहीं, मत करना, वो आपकी मर्जी। लेकिन जो हमारा YouTube परिवार है वो 400 से ऊपर का हो गया है, और मैं खुश हूँ क्योंकि आप लोग मेरा बहुत साथ दे रहे हो, सहयोग दे रहे हो। तो दोस्तों थैंक यू, आप वीडियो को वॉच करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कमेंट भी किया कीजिए। तो दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं ठाकुर जी किस तरह की वीडियो बनवाते हैं। ये तो मेरे ठाकुर जी हैं जो अच्छे अच्छे आइडिया देते हैं। तो दोस्तों आप मेरे ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए, ठाकुर जी दोस्तों से बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा, फिर मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।